नमस्कार मैं संदीप महादेवराव महिंद मूलतः महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क्षेत्र के सांगली ज़िले से हूँ बचपन शिक्षा पुणे में हो गई वर्तमान में भारत की जो वैभवशाला गौरव परंपरा है जो हमारा देदीप्यमान इतिहास है उस इतिहास के ऊपर अध्ययन करते हुए जो हमारा इतिहास दबाया गया है छिपाया गया है उसको सबके सामने लाने का प्रयास करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज भारतवर्ष के पिछले 400-500 वर्षों में एक ऐसे प्रतिभाशाली शासक है कि उन्होंने समुद्र के खतरे को भापा इससे पहले हमारे चोल वंश था उसने भी समुंदर की चिंता करते हुए अपने तटीय क्षेत्र की रक्षा की थी यहाँ तक वो कंबोडिया तक भी पहुँच गए थे अभी तो उसके बाद समुंदर के खतरे को किसी ने भी ध्यान में नहीं लाया नज़रअंदाज किया उसका परिणाम ये हो गया पुर्तगाली हो अंग्रेज हो फ्रेंच हो डच हो डैनिश हो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर भारत का तटीय क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया सोलह में 24 अक्टूबर को जब शिवाजी महाराज ने कल्याण भिवंडी अपने अधिकार में लिया तो उनके ध्यान में समुंदर का संकट आया और उन्होंने तुरंत एक पुर्तगाली कारागिर रुई लेंता वेगौस और उसका बेटा फरना वेगौस और उनके एक तीन लोगों की टोली इनके सहायता से अपने नौसेना का निर्माण शुरू कर दिया शिवाजी महाराज भी जानते थे आज नहीं तो कल इस पुर्तगालियों को यहाँ से वापस लिया जाएगा क्योंकि पुर्तगाली इस विषय में सजग है तो उन्होंने अपने भी स्थानीय लोग जो थे भंडारी बंधु थे कोली बंधु थे आगरी बंधु थे उनको इन जहाज़ निर्माण के काम में लगा दिया जिससे भारत का छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में पहला स्वयंपूर्ण आरमार यानी नौसेना खड़ी हो गई ये तो उसका डर कभी भी इन पुर्तगाली अंग्रेजों फ्रांसिसों को लगा नहीं तो उनके मन में इसका डर बैठे इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपना आरमारी बेड़ा लेके 8 फरवरी सोलह को सिंधुदुर्ग के पास मालन की खड़ी से निकले और डच पुर्तगाली अंग्रेज इनको बिना भनक लगाए हुए सीधे बसरुरु आ पहुंचे वो दिन था 13 फरवरी सोलह का शिवाजी महाराज ने बसरूर के ऊपर तेरह फरवरी के प्रातः के समय में हमला किया और वहाँ जो पुर्तगालियों ने अपना नेवल बस खड़ा किया था उसको तहस नहस किया उनका जो व्यापारी केंद्र था उसको उखाड़ा उन्होंने जो भी सामान संगुजा, संजोगा था या तो भारत में फिर गिरने के लिए या फिर अपने पुर्तगाल को लेके जाने के लिए वो सारा अपने जोजों पे लाद कर पूरा बसरूर अपने कब्जे में ले लिया गांगुड़ी जहाँ वरहा नदी समुद्र में खुलती है उस बेस को भी अपने कब्जे में ले लिया होना और कब्जे में ले लिया अब एक आगे वाला विषय है मेरे शिवाजी महाराज स्वयं तेरह फरवरी प्रातः से चौदह फरवरी की दोपहर तक पूरे डेढ़ दिन बसरू में रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का बसरूर में आना तेरह फरवरी का दिन होने के नाते हम बसरूरा का स्वतंत्रता दिन जिस दिन ने पुर्तगालियों के चंगुल से इस सारे कांदड़ी भाषियों को मुक्त करवाया उस दिन को बसरूरु स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाते आपने प्रश्न किया बसरूर के इतिहास के बारे में अगर आप पूरे भारतवर्ष के बारे में सोचेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं घटनाएं हैं जिसको जानबूझकर दबाया गया है जानबूझ कर यहाँ के लोगों के सामने नहीं लाया गया उसका दो कारण है अगर भारतीय लोग अपनी वैभवशाली परंपरा और अपने गौरवशाली इतिहास को जानने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप में वो उभरते हुए नजरते आएंगे और जो भारतवर्ष सपना देख रहा है कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व तो करे विश्वगुरु के स्थान पे पहुँचे वो कभी भी हो नहीं इसलिए अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों ने फ्रांसीसियों ने यहाँ तक मुगलों ने भी हमारे भारतवर्ष के इतिहास को सोच समझ कर दबाया है जैसे चाहे वैसे मरोड़ा है इस कारण आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हमें असम में सुनाई देता है कश्मीर में सुनाई देता है राजपूताना में सुनाई देता है कर्नाटक तमिलनाडु में सुनाई देता है फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ़ मराठी भाषियों के ही नेता के रूप में उभरे ऐसी स्थिति भारतवर्ष के सारे महापुरुषों की है ये मिली भगत है ये सोची समझी साजिश है और इस साजिश को ध्यान में लाते हुए हमने फिर तय किया कि ऐसा जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ हो रही है उन सारी गड़बड़ियों को ख़त्म करवाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है क्योंकि आपने देखा होगा अभी केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो परीक्षाएं होती है उसमें अकबर द ग्रेट बन जाता है औरंगजेब जिसने कत्ले आम करवाए लाखों करोड़ों हिंदुओं को मारा वो गाजी बन जाता है आलमगीर बन जाता है और उनके इतिहास के बारे में यूपीएससी की परीक्षा में 20-24 मार्कों के प्रश्न आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र का इतिहास चौंकि में महाराष्ट्र में जन्म हुआ है इसलिए महाराष्ट्र के इतिहास से ज़्यादा अवगत हूँ मात्र डेढ़ या दो गुणांकों के लिए है ये सब सोची समझी साजिश है यहाँ से गोरे अंग्रेज चले गए गोरे फ्रांसीसी चले गए गोरे पुर्तगाली चले गए मगर उन्होंने जाते समय अपने ही विचारधारा जैसे काले अंग्रेजों को काले फ्रांसीसियों को काले पुर्तगालियों को काले मुगलों को यही बसाया है हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि इन सबको चिन्हित करते हुए इनके द्वारा बताया जा रहा इनके द्वारा लिखा जा रहा इनके द्वारा सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा इतिहास फिर एक बार अन्वेषण करते हुए खोद कर सबके सामने लाया जाए और भारत की वैभवशाली परंपरा से अगली पीढ़ियों को अवगत कराया जाए मज़े की बात है चौदह में 1498 में वास्को नाइन्टी कालिकत आया उसके बाद एक पश्चिमी क्षेत्र से एक ताताई लग गया था पुर्तगालियों का अंग्रेजों का फ्रांसीसियों का यहाँ तक तो पुर्तगाल का बादशाह भी स्वयं को हिंद महासागर का सम्राट मानता था और सारे विश्व को बताता भी था ऐसा होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी अपनी एक व्यवस्था थी उनकी अपनी एक युद्ध पद्धति थी उसके आधार पे वो सिंधुदुर्ग से 8 फरवरी को निकले 13 फरवरी को बसरू पहुँचे सिंधुदुर्ग से 70 किलोमीटर के दक्षिण में वेंगुरला है डचों का मुख्यालय वहाँ से 80 किलोमीटर दक्षिण में पुर्तुगालियों का मुख्यालय पणजी वास्को है वहाँ से अस्सी किलोमीटर के दक्षिण कारवार है, अंग्रेजों का मुख्यालय इनको भनकता ही नलगिन अब कौन कहेगा भाई हम हार गए कि शिवाजी महाराज के बेड़े ने हमें पराजित कर दिया उन्होंने अपने हार को छुपाने के लिए नया अवडंबर शुरू किया जिसके कारण हमारी परंपरा का पतन तो हो ही हो इसके साथ यहाँ भी स्थानीय स्तर पर कुछ ना कुछ झगड़े मसले खड़े हो असल में बेदनूर के नायक जो शिवाप्पा नायक थे उनके राज्य व्यवस्था को बचाने वाले शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज है शाहजी महाराज ने जब आदिल शाह के वजीर के नाते बेंगलुरु में अपना मुख्यालय बनाया तो उस समय उन्होंने प्रयास ऐसे किया कि कर्नाटक में तमिलनाडु में सीमांध्र में तेलंगाना में और केरल में जितने भी हिंदू शासक है वो पहले विजयनगर के साम्राज्य के साथ जुड़े हुए थे क्यों ना एक बार प्रयास किया जाए और विजयनगर के वर्तमान शासक जो पेनुकोंडा में रहते हैं उनके छत्रछाया में सबको इकट्ठा किया जाए मगर भारत में आ, ऐसे कुछ तथ्य रहते हैं जिनको ए, एक स्वभाव पसंद नहीं है ऐसे कुछ तथ्यों ने इनको इकट्ठा नहीं होने दिया आदिल शाह ने जब इन सबको अलग अलग करवा कर ख़त्म करवाने का प्रयास किया शाहजी महाराज ने इन सबकी रक्षा की इसी को ध्यान में रखते हुए शिवापा नायक के छोटे बेटे सोमशेखर जी ने शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा असल में ये प्रस्ताव था डचों के लिए वेंगुरला के सोमशेखर जी का जो वकील था डचों के पास पहुंचा मगर डचों ने हाथ खड़े कर दिए भाई सब मौसरे भाई भाई होते हैं कि भाई हम पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ इनकी सहायता करेंगे तो फिर अपना ही नुकसान है इनकी ताकत बढ़ जाएगी ये नहीं होना चाहिए तो वकील जिसका नाम इतिहास के पन्ने में खो गया है सूझबूझ वाला था वो सीधे शिवाजी महाराज से मिलने राजगढ़ गया उन्होंने शिवाजी महाराज के सामने सोमशेखर नायक का प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव के आधार पर शिवाजी महाराज वस्त्र आए थे उन्होंने तो महाशिवरात्रि का सिर्फ स्वांग रचाया कि हमें गोकर्ण महाबलेश्वर के दर्शन करने दर्शन करने के लिए कोई ढिंडर पिटने की आवश्यकता नहीं है मगर इन सबको सदके में रखना था इन सबको बिना जानकारी दिए बनक बिना लगे उनको अपना कार्य पूरा करना था छत्रपति शिवाजी महाराज बेदनूर के तत्कालीन शासक सोमशेखर नायक के प्रस्ताव के आधार पर ही बसरूरु आए थे और उन्होंने बसरु में आने के बाद किसी भी स्थानीय को कष्ट नहीं दिया है ये मैं मराठी भाषी नहीं कह रहा हूँ ये स्वयं कन्नड़ भाषी पुस्तक कहता है अगर आप बसरूरु ओंदू अध्ययन इस नाम की किताब पढ़ेंगे तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के और बसर के संबंध में तीन परिचय दे उसमें कन्नड़ भाषा में ही कन्नड़ भाषीय लेखक कहता है शिवाजी महाराज ने बसरूर को लूटा नहीं शिवाजी महाराज ने जो इकट्ठा किया वो पुर्तगालियों का था और मैं तो उसको वसूली कहता हूँ ये तो कोई लूट है नहीं ये लूट शब्द अंग्रेजों द्वारा हमारा पराक्रम छिपाने के लिए शिवाजी महाराज सूरत गए वो भी वसूली थी शिवाजी महाराज जालना गए वो भी वसूली थी साढ़े तीन सौ वर्षों तक इन मुग़लों ने इन मुसलमानों ने इस्लामी शासकों ने हमारे खेत से अनाज चुरा लिए वो लूटे हमारे छोटी सी दादी अम्मा की जेब से एक आध रुपया चुरा लिया वो लूटे हमारी बहनों को घोड़े पर लाद के वो उठा के ले गए वो लूट है व्यापक राष्ट्रहित के लिए समाज के कल्याण के लिए भारत के शासकों ने वो सब वापिस लाया है यह वसूली है ये लूट नहीं इसलिए लूट शब्द का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए स्वयं कन्नड़ भाषी लेखक भी कहते हैं बसरुड़ू में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बस्ुड़ के बाद गांगुड़ी होन्नावरों जीतने के बाद अंकोला से स्वयं सोमशेखर जी को निवेदन दिया है उनको कहलाया है कि भाई जो आपने प्रस्ताव दिया था उसके नाते हमने सारे क्षेत्रों को मुक्त करवाया है वहाँ हमारी सेना टुकड़ियाँ खड़ी है अपनी सेना भेजो उन सारी क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लो हमारी सेना वापस आ जाएगी अगर लूटा होता शिवाजी महाराज ने बस् को कष्ट दिया होता तो शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजा राम जी जब संकट में आए तो इसी बेदनूर के जिसके अधिकार में बसरु आता है महारानी ने उनकी सहायता की नहीं होती औरंगजेब का बहुत सारा डर था औरंगजेब आक्रमण भी कर सकता था मगर उस डर को नजरअंदाज करते हुए एक हिंदू शासक को दूसरे हिंदू शासक की सहायता करनी चाहिए बरसक प्रयास करने चाहिए इस दृष्टि से उन्होंने भी सहयोग किया है अगर ऐसी कुछ लूटपाट की घटना हुई होती तो हमें जो बाद में सोलह सो में जो इतिहास सामने आता है वो कभी देखने को नहीं मिलता तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ने प्रश्न उठाया कि एक कारवार का क्षेत्र है दूसरा बेलगांव का क्षेत्र है तो महाराष्ट्र में रहे या कर्नाटक में रहे उसके लिए बहुत सारे झगड़े हैं असल में वो महाराष्ट्र में रहे या कर्नाटक में रहे ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है वह भारतीय संस्कृति की परिधि में रहे ये अधिक आवश्यक है अभी उसी भारतीय परिधि को भारतीय परंपरा को तोड़ने का प्रयास चल रहा है इस प्रयास को धूमिल करने के लिए बसरूरु का प्रयास अच्छा यश दे सकता है इसलिए क्योंकि बसरूरु आता है बेदनूर में वर्तमान का जो किरदिक क्षेत्र है बेदनूर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाते तीन पीढ़ियों से महाराष्ट्र और कर्नाटक को बांधता है छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज और बेदनूर के जो नायक थे शिवप्पा इनके स्नेहपूर्ण संबंध थे शाहजी महाराज ने बेदनूर की राज रक्षा की आदिल शाह के आक्रमण से बेदनूर को बचाया इसलिए शिवाप्पा नायक हमेशा शाहजी महाराज के प्रति कृतज्ञ रहे शिवाजी महाराज शिवाप्पा नायक के छोटे बेटे सोमशेखर नायक के प्रस्ताव के आधार पर बसरूर में आए उन्होंने बसरूर को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त करवाया और वो सारा क्षेत्र बाद में जो कांदड़ियों का मुलुक था इस नाते बेदनूर को जोड़ने का आग्रह किया और तीसरे पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजा जी की रक्षा और शिवमोगा से बेंगलुरु तक जाने के लिए सहायता स्वयं बेदनूर की रानी ने की है तीन पीढ़ियों में जो भाव खड़ा हुआ है इससे महाराष्ट्र का राज्य व्यवस्था कर्नाटक का राज्य व्यवस्था अपने आप में भाईचारे के नाते बंधा हुआ है तो छोटे से राजनीति के लिए छोटे से स्वार्थ के लिए हम ऐसे लड़ते रहेंगे तो इससे नुकसान महाराष्ट्र का होगा नहीं कर्नाटक का होगा नहीं हमारे भारतवर्ष का होगा जिस भारतवर्ष को हम विश्वगुरु के नाते पूरे विश्व के मंच पे लेके जाने चाहते हैं वो भारतवर्ष अपने छोटे छोटे अंदरूनी झगड़े में ही उलझता रहेगा तो अपना पुरुषार्थ दिखा नहीं पाएगा इसलिए ऐसे जितने भी झगड़े हैं उन सारे झगड़ों के समाधान अपने अतीत में है अपने इतिहास में है उस इतिहास से खोजकर सबके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे तो अपना भाईचारे का नाता रिश्ता खड़ा हो जाएगा हम हमेशा कहते हैं एकता के अनेक स्वरूप असल में यही सच है अनेकता में एकता ये भी एक विभाजनवाद है हम अनेक हैं फिर भी एक है नहीं भाई हम एक है एक थे एक ही रहेंगे और दिखने में हमारे अनेक स्वरूप हैं इस दृष्टि से अगर हम काम करना शुरू कर देंगे तो आने वाले कुछ ही वर्षों में कुछ ही दिनों में छोटे छोटे झगड़े ख़त्म होते हुए पूरा भारतवर्ष विश्वगुरु की दिशा में अग्रसर हो जाएगा